हम शत शत वंदन करते हम शत शतु सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम करता हूँ और ये क्यों हुआ मनुष्य ही सब कुछ करता है ये आज जितने बच्चे आए हैं इनको प्रेरणा गुरु से मिली है और निश्चित रूप से ये अहमदाबाद में तो ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारतीय संगीत की धरोहर है यहाँ से सदैव प्रगति करेगी सदैव उन्नति के शिखर पर जाएगी इस बात के लिए हम सब कलाकार और साधक निश्चिंत हैं कि मानव नंदन भाई भी एक मानव थे मगर उन्होंने अपने आप को पहचाना यद्यपि एक उनका जो प्रोफेशन था बिजनेस था वो एक अलग था संगीत एक काम अलग था वो कैसे पहचाना कि पांच तत्वों से बना एक पुतला मात्र जिसमें कृपा कर जगत के पति ने फूंक दी श्वास दो ऐसी श्वास जो न जाने कब साथ छोड़ दे अपना और कर दे अनाथ और तुम्हारी लाश के सम्मुख खड़ा होकर कह रहा होगा हेवान कि हे मानव तू स्वयं को पहचान हे मानव तू स्वयं को पहचान नंदन भाई ने अपने आप को पहचाना और आज संगीत कर इस शिखर पे अहमदाबाद में और गुजरात में आए ये प्रतियोगिता प्रारंभ की उनकी स्मृति में मैं गुजरात राज्य एकेडमी और सांस्कृतिक विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ कि सत्तक संस्था को हर प्रकार के सहयोग से ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती जा रही है शिखर की तरफ बढ़ती जा रही है और मुझे विश्वास है कि ये और विश्वव्यापी होगी आज अनेक प्रांतों से बच्चे यहां गुजरात में आए हैं ये देखा जाए तो बनारस का पर्याय हो गया है अहमदाबाद हम लोग बनारस घराना सिर्फ वहां सुनते थे अब यहां ज्यादा सुनते हैं तो ये बहुत बड़ी क्रेडिट जो जाती है वो सप्तक संस्था को जाती है नंदन भैया को जाती है मंजू बहन को जाती है इस गुजरात राज्य को जाती है तो ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रहे मैं ऐसी कामना करता हूँ मंगल कामना करता हूँ और एक अनुरोध जरूर चाहे वो वो सजेशन के रूप में समझें या कुछ भी समझें कि तबले की स्थापना के लिए हमारे गुरुजी पंडित कृष्ण महाराज जी ने भी सारा जीवन समर्पित कर दिया और ऐसा ही संपूर्ण जीवन जो समर्पित किया पंडित नंदन मेहता जी ने समर्पित कर दिया हम मेरा ये निवेदन है गुजरात राज्य इस सरकार से कि ये जो युवा प्रतिभाएं हैं जो काम कर रही है इस परंपरा को आगे ले जाने में अब समर्पित है इन युवा प्रतिभाओं को एक नंदन भाई संगीत अवार्ड तबला अवार्ड के नाम से इन लोगों को यहाँ बुला के सम्मानित किया जाए ये मेरी ऐसा संगीत अकेडेमी से अनुरोध है मुझे विश्वास है कि सब तक और ये गुजरात राज्य शासन इस बारे में विचार करके इस तबले की परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और इस परंपरा को जीवित रखना हम सबका काम है परंपरा किसी एक से भिश... नहीं आगे बढ़ती है संतान का तात्पर्य ये होता है जो परंपरा को तान दे वही संतान है ये बच्चे सब अपने गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये परंपरा आगे बढ़ती रहे सब तक खूब फले फूले यहाँ सारे लोग आए और सम्मानित हों अपना प्रदर्शन करें गुजरात राज्य पूर्ण सहयोग प्रदान करें मैं इन्हीं शब्दों से अपनी बात को विराम देता हूँ और मंगल कामना ધન્યવાદ બાલકૃષ્ણજી આપણી વચ્ચે પરમાદરણીય એવા પંડિત અજય ચક્રવર્તીજી અહીં ઉપસ્થિત છે હું પંડિતજીને વિનંતી કરીશ કે આ તમામ સાધકોને આશીર્વચન આપે અને તેમના મનની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે मंच पर उपस्थित झा साहब और संगीत नाटक अकेडमी के सारे सदस्यों सदस्य सचिव और सारे कलाकार और मंजू बहन और आगे बैठे हुए सारे संगीत प्रेमियों आज हम जानते हैं कि अहमदाबाद का आज सिक्स थर्ड जन्मदिन है तो आज नंदन जी का भी जन्मदिन है तो दोनों जन्मदिन एक साथ यहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए कि कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात जिस तरह ये युवा कलाकारों को आगे लाने के लिए नंदन जी के नाम के जो ये कंपटीशन या प्रतियोगिता जो भी बोलिए हुआ है इनको इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आगे आए हैं दिस इज़ वेरी रेयर बहुत कम जगह में ऐसा संगीत नाटक अकैडमी का इतना आनंददायक भाग लेना हर वक्त नहीं होता है और हम जानते हैं कि संगीत नाटक अकेडमी एक ऐसा संस्था है जहां अब तक बहुत सच्चाई से सभी कलाकारों को बहुत अच्छी तरह सम्मान प्रदान किया जाता है आई एम कनेक्टेड विथ संगीत नाटक अकेडमी फ्रॉम ईयर 2000। उस साल मुझे संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला था उसके बाद मैं संगीत नाटक अकेडमी का एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे पिछले तीन चार साल से बहुत बिजी हो गया इसीलिए मैं और पंडित शिव कुमार शर्मा हम दोनों थे हम दोनों अभी नहीं जा पा रहे ये बोलते हुए हमें बहुत गर्व होता है कि बनारस घराना का तबला अभी अहमदाबाद में ज़्यादा बज रहा है बनारस घराना सहाय फैमिली उसके बाद बाबा कट् महाराज जी और नाम कितना गिनू श्यामता प्रसाद जी सभी लोगों ने बनारस घराने को इतना आगे लाया मगर पंडित किशन महाराज जी के नाम सबसे अलग से लेना पड़ता है क्योंकि तबले का जो सम्मान आज देश में हुआ उसका पूरा श्रेय केवल किशन महाराज जी के जाता है क्योंकि हम उनके बहुत करीब थे बहन को मालूम है कि अगर मैं होता हूँ तो हमें गोद में लेके वो बैठते थे और पिछले पैंतीस साल पहले वो हमारे साथ बत्तीस साल पहले हमारे साथ पहले तबला बजाए थे पंडित किशोर महाराज जी और हमेशा तबले का जगह जो था वो बहुत नीचा था यहां कपड़ा लगा के तबला बजाया करते थे लोग एक जमाने में तबले का कोई सम्मान नहीं था हालांकि मेहनत दूसरे सब्जेक्ट से ये ज्यादा करना पड़ता है तबला को इस चीज को आगे लाने के लिए तबले को सोलो बादन के रूप में जैसे आज़िम खां साहब हमारे हबीबुद्दीन खां साहब थिर ख़ान साहब ये सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया मगर सम्मान की जगह तबले को जो सम्मान की जगह है कि अगर इनके साथ बजाना है तो मुझे भी ऐसा ही सम्मान करके स्टेज में बैठाना पड़ेगा वरना हम बजाएंगे नहीं इसको पर्सनलिटी जी के साथ एक पर्सनलिटी के साथ और तबले को सम्मान देने के लिए जितना किशन महाराज जी ने किया है आपको शायद मालूम है शायद नहीं भी है पटना में एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें निखिल बैनर्जी बजा रहे थे और किशन महाराज जी उनके साथ तबला बजाते थे बजा रहे थे और किशन महाराज जी निखिल दा को बहुत प्यार करते थे बहुत ज़्यादा और उनके साथ कई सौ प्रोग्राम बजाए वो बजाने के लिए बैठे निखिलदा तो लोग शोर मचा रहे कि हो हो करके शोर मचा रहे कि सितार नहीं सुनना है फिर कि, किशन महाराज जी निखिलदा को अंदर बुला लिया और खुद मंच पर गए बोले कि मैं किशन महाराज आपके सामने पूजा करूंगा तबले के साथ अगर आप मेरा तबला आपको पसंद ना आए तो मुझे गोली मार दीजिएगा अगर मेरा पूजा आपको पसंद आए और कोई आके हमें डिस्टर्ब करे तो मैं गोली मार दूंगा एकदम बंदूक लेके उस स्टेज पर आए थे इतना साहस और इतना एक प्रोफाउंड एक कैरेक्टर हमारे देश में ना केवल तबला बहुत सब संगीत के सब सब्जेक्ट में उनका एक अलग जगह उन्होंने बनाया था और वही चीज वो वैल्यू को रख रखने के लिए नंदन जी का कंट्रीब्यूशन हमें हमेशा बहुत सम्मान से मानना पड़ेगा तबले को ये सम्मान देने के लिए उन्होंने खुद बजाया और इस शहर में ये सप्तक का प्रतिष्ठा किया सप्तक तक मीन्स सा टू नी द होल ऑक्टिव ये जो ऑक्टिव है सा से नी ऊपर सा तक संस्कृत में इसको सप्तक बताया गया क्योंकि सा से नी और अंग्रेजी में इसको ऑक्टिव बताया गया क्योंकि सा से सा एक ही बात है इसमें दुनिया का सारा संगीत है सा से नहीं इससे आगे कुछ नहीं हो सकता संगीत में ना तो भारत में ना तो दुनिया में कहीं ये पूरा सप्तक को उन्होंने एक साथ करके सारे संगीत के कंठ कोई इंस्ट्रूमेंट तार की यंत्र मांसुरी सब चीज़ को उन्होंने इकट्ठा करके ये सप्तक सम्मेलन का जो आयोजन किया है और मंजू बहन पिछले कितना साल सात साल हुआ पांच साल।, पांच साल पांच साल से इसको आगे ले आने के लिए जो प्रयास कर रही है आई एम रियली इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत करता हूँ कि बींग ए क्लास वन वादक इसके साथ एक संस्था को आगे लेके आना इसको बढ़वा देना ये बहुत बड़ी बात है और संगीत जो है ये बड़ी दुख के साथ मैं बोलता हूं कि संगीत का जो सही जगह है वो हमारे देश में अभी तक बनी नहीं क्योंकि जो सांस हम लेते हैं वो है हमारा प्राण ऑक्सीजन और जो सांस हम छोड़ते हैं वह है हमारा गान तो सांस आई हुई इन्हेलिंग एयर ज आवर लाइफ एक्जेलिंग आवर म्यूजिक और इस चीज को नियंत्रण करता है हमारा पल्स बीट और हार्ट बीट जिसको हम बोलते हैं तो बॉडी के अंदर सूर भरा हुआ है यह अभी तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करके रह गया जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे देश में क्योंकि इतना बड़ा पेंटिंग म्यूजिक के जरिए जो हम करते हैं जैसे तबला बजता है अगर नातिन और धाधिन ये चार शब्द में सारा तबला छुपा हुआ है जो चार पांच कॉमन ताल है जो हम बजाते हैं ये चार शब्द से ये पूरा ताल है मगर इसको सजाने का तरीका कैसे है और धा कहाँ बजेगा क्योंकि मैं कलकत्ता के सर्वयुग के सबसे बड़े गुरु गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी के साथ पैंतीस साल में तबला सीखा इसीलिए मेरा ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है तबला उसके बाद गाना और हमारे सब गुरु भाई है अनिंदो संजय मुखर्जी शंकर घोष गोविंद बोस कन्हाई दत्त ये सब हमारे गुरु भाई है तो ये चीज़ बहुत ही तबले का जो बोल है इसको साइकिलिक तरीक़े से तबला बोली या पखवाज बोली हाँ हमारे बहुत अच्छे पखवाज वादक हमारे सामने यहाँ है और आज सुना कि नामधरी बाबा जो आज उनके जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये भी हम अच्छी तरह सब लोग नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा नामधरी गुरु जी का सदगुरु जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और महाराज जी का इनसे पहले भी एक आच्छाघ्रद ऐसा पखवाज बजाया कि लाजवाब है तो उस चीज़ को आगे ले आने के लिए महाराज जी का परंपरा बनारस बाज ये सब को आगे ले आने के लिए अलोंग विथ अदर सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिक सब तक बहुत अच्छा काम कर रहा है मैं उसके लिए यहाँ आज आया हूँ और मैं मंजू बहन को फिर एक दफ़े धन्यवाद करूँगा और झा साहब को एक दफ़े मैं नमस्कार करूंगा बहुत अच्छा उन्होंने इतना सुंदर बताया मैं भी एक गालिब जी की दो लाइन पढ़ के मैं अपना कार्यक्रम समापन करूंगा ये जो शम्मा है शम्मा जलती है लेकिन ये किसी ने सोचा है शम्मा जलती है लेकिन ये किसी ने सोचा है कि मोम के बीच में धागे का ज़िगर जलता है तो शम्मा जलाने के लिए चार नंदन मेहता चाहिए नहीं तो शम्मा नहीं जलेगी खुद को जब मारेंगे हम तब दूसरा कोई पैदा होगा तो ये सब तक का ये काम बहुत दूर तक जाएगा और सम्मेलन जो सब तक का होता है ऐसे हमारे देश में सब तक बाद में स्टेब्लिश्ड हुआ है जैसे जलंधर में हमारा हर वल्लभ होता है या पूना में सवाई गंधर्व होता है कलकत्ता में डोवरलिन होता है और चार इंटरनेशनल रिस्पेक्टेड चौथा सम्मेलन है सब तक वो इंटरनेशनल रिस्पेक्टेड हुआ है सारे देश के सारे दुनिया के लोग इसको डेट मार्क करके रखते हैं कि सब तक क्या सब तक में आना है तो आप सब अच्छे रहिए मैं शायद थोड़ा ज़्यादा बोल दिया माफ करना धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी हमें हूँ विदोषी मंजूबेन मेहता ने विनंती कर आभार दर्शन करे नमस्कार આમંત્રિત શ્રોતાઓ મંચ ઉપર બિરાજમાન અમારા બધા આદરણીય સદસ્યો સંગીત નાટક એકેડમીના શ્રી ગઢવી સાહેબ ઓર અમારા શ્રી ભાગ્યેશભાઈ જી એચ ખાન સાહેબ અને અમારા બહુ જ અમારી લાગણીને માન આપીને અહીં પધારેલા આપણે અજય દા આપ લોકોને કદાચ ખબર ના હોય કેટલા બધા વ્યસ્ત હોવા છતાં મારા એકવાર ફોન કર